वेलकम टू दिस चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जो टॉपिक में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जो अब यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट है या फिर और भी बहुत सारा कंट्री से आए हैं जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हम लोग बोलते हैं, अगर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते तो। लेकिन ये लोग इंडिया में वापस आ गए क्योंकि बाहर का परिस्थिति सही नहीं था, हम लोग सब जानते हैं, जिसको हम लोग यूक्रेन रिटर्न बोल के जानते हैं, क्योंकि यूक्रेन से ही बहुत सारा स्टूडेंट, लगभग सब मिला के हमको लगता है 20,000 के आसपास में स्टूडेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो कि अभी इसका करियर क्या होगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसमें NMC की तरफ से ये किया गया है कि उन लोगों को इंडियन मेडिकल जो भी कॉलेजेस है इसमें एडजस्ट करना शायद मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है जिसके चलते जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है या फिर जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बनने के लिए गए थे बाहर, जो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट है, ये लोग के बीच में बहुत ही एक डेफिनेटली ये बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत ख़राब न्यूज़ है, बैड न्यूज़ डेफिनेटली ये है, क्योंकि अभी करियर क्या होगा इस कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। अभी बात ये है कि क्या गवर्नमेंट 20,000 जो स्टूडेंट है, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स मेडिकल ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनका करियर को बर्बाद होने दे देगा, एक नंबर। दूसरा नंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका नंबर बहुत कम है, और हमेशा ही हम लोग देखते हैं डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है वो बहुत हाई है, ये एक्चुअली एक डॉक्टर को बहुत सारा पेशेंट देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर कम है, पेशेंट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो रेशियो है वो जो स्टैंडर्ड रेशियो है इससे बहुत नीचे हैं। तो इसमें क्या जो 20,000 स्टूडेंट्स है उसको अपने मेडिकल पढ़ाई का जो भी इसमें है, MBA में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में जो भी है, इसको करियर यहाँ पे बर्बाद कर देना क्या सही रहेगा? ये बहुत एक मायने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कोई ना कोई, देखिए चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडियन हो, किसी का भी करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का एक ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है। जो स्टूडेंट कितना होप लेके गए थे कि वहाँ से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बन के यहाँ पे आएंगे, एग्ज़ाम देके इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों का नॉलेज बहुत कम होता है, सबका एक जैसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है जो कि NEET PG का जो एग्ज़ाम होता है ना, बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज में PG करते हैं। तो ये बोलना सही नहीं है कि फॉरेन में जो लोग MBBS करने जाते हैं सबके सब कन आपका जो मार्क्स कम रहता है या फिर जो नॉलेज है वो कम रहता है, का जो आपको MBBS करने का जो तरीका है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, नॉलेज इतना अच्छा नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोनों तरफ का है, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है और बहुत घटिया स्टूडेंट भी है, दोनों ही रहता है, ये हर जगह के लिए सही है। लेकिन बात यह है कि ये जो इतना नंबर्स स्टूडेंट है इसको एक्चुअली इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट करना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। 20,000 जो है कम नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। देखिए जो NEET PG का होता है ना, अगर NEET PG का हम बात करें, जो 20,000 रैंक आता है ना उसको अच्छा सीट्स भी नहीं मिलता है। तो मेडिकल, डेफिनेटली मेडिकल एडमिशन इंडिया में होना बहुत मुश्किल है, और एक साथ ये जो 20,000 स्टूडेंट्स है इसको एडजस्ट करना बहुत बड़ा एक चैलेंजेस हैं। NMC की तरफ से तो ये बोला गया है कि इसको शायद कुछ करना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जिसके थ्रू इस 20,000 स्टूडेंट को इसका जो करियर बर्बाद हो रहा है इसको रोका जा सकता है, इसको करियर बनने के लिए हेल्प किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी सकारात्मक रूप से भी इसको सोचना चाहिए। क्योंकि चाहे मेरा रिलेटिव हो, आपका रिलेटिव हो, किसी ना किसी का तो रिलेटिव ज़रूर है, और सोच बहुत वो करके गए हैं ना, एक एम्बिशन है कि हम डॉक्टर्स बनेंगे, तो इसको ऐसे ही बर्बाद होने देना सही नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसमें बारे में हमको लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। जो भी यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट है, जो भी फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, ये लोग एक्चुअली हंगर स्ट्राइक ये सब करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसमें पॉजिटिव सोच लाना चाहिए, और जितना हो सके, जैसे हो सके, एक रूल्स रेगुलेशन के तहत उन लोगों को एक राहत दिया जा सकता है, या फिर जैसे भी हो सकता है इसको इसका जो करियर है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या आपका क्या कॉमेंट है, आपका क्या मत है इसमें, डेफिनेटली कॉमेंट करके आप नीचे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि इसका करियर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए
या फिर इसका करियर को परसू करने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प करना चाहिए? आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।